जैसा कि आज के हम वीडियो में देखें कि जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट में आप यदि अपनी बेल एप्लीकेशन डालना चाहते तो कैसे डालें। तो सबसे पहले आपको जैसे इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट जैसे देख ही रहे हो आप लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बेल एप्लीकेशन जैसे 2024 लिखना, बेल एप्लीकेशन नंबर कोडोगा में डालना, इन द मैटर हो जो पिटिशनर का नाम आपको डालना है वर्सेस में जो भी आपकी अपोजिट पार्टी है, FIR नंबर डालना पड़ेगा, PF थाना कहाँ से है ये, उसमें कौन कौन सेक्शन लगे थे, ठीक है, और मतलब जिस तरह इसमें पोस्ट एक्ट भी लगा हुआ है और ये 354 मतलब छेड़छाड़ी का, 376 मतलब रेप का, तो इसी के जो भी है आपका जो बेल एप्लीकेशन रिलेटेड है आपको वो डालना है। इंडेक्स में ये डालना था कि हमने कितनी कोर्ट फीस दी, अर्जेंसी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, नोटिस ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, मेमो ऑफ पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, पेटिशनर अंडर जैसे कि तो एंटीसिपेटरी बोइल है, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट में डल रही है, तो 438 में ये जाएगा मामला, CRPC का मतलब होता है क्रिमिनल, तो CPC तो सीवी होता या CR तो मतलब क्रिमिनल है, ठीक है, फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट एक्यूज अलोंग विद एफिडेविट। एनेक्सर A1 में जो आप लगा रहे हो एफिडेविट की ट्रू कॉपी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो जो आप मतलब डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उनका नाम करना पड़ेगा, क्योंकि कल मान लो कोर्ट से कोई पेपर गुम हो गया तो आप दिखा सकते कि हमने ये लगाया हुआ था, हमने ये लगाया था, हमने ये लगाया हुआ था, तो जो जो पेपर आप लगाते हो अपने एविडेंस में वो लगाना पड़ेगा। लेकिन जो एविडेंस इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी FIR की जो आपको ट्रू कॉपी ट्रांसलेशन रिलेटेड करना है, इंग्लिश में है तो ट्रांसलेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी और जैसे आपके एग्रीमेंट फैल ये जो कुछ इसमें जो विवाद से रिलेटेड है तो वो इसमें लगाया गया है, कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी आपको लगाना होगा, और जो अपने मतलब ऑर्डर कॉपी हुआ है ऑनरेबल कोर्ट से, ठीक है, इसके संबंध में नीचे वाली कोर्ट से, तो वो लगाना होगा, ठीक है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप सबको लगाना पड़ेगा और उनकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, भाई कौन से पेज पे कौन सा नंबर है, मतलब टू नंबर पे एजेंसी एप्लीकेशन है या कौन से नंबर पे एजेंसी एप्लीकेशन, तो ये पेज नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे लिखना है, फिर आपको बस अपना नीचे क्या आएगा आपका ये जो FIR है मतलब डिटेल ऑफ द विक्टिम आर नॉट मेंशन, कहीं भी मेंशन नहीं है इन द पिटीशन, ठीक है, एक्सेप्ट इन द FIR के अलावा जो पिटीशन की जो विक्टिम की डिटेल है वो मेंशन नहीं की जा सकती, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाइड है कोड कॉपी का, ऑनरेबल कॉन्ड नथिंग इज कंसील्ड, मतलब उसको कंसील नहीं करी, मतलब पिटीशनर की जो आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं की जाती क्योंकि इसका रेप हुआ है, तो रेप केसेज में या ये जो जो भी केसेज होते हैं उसमें रिवील नहीं की जाती। अब अर्जेंट एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी, देखिए जो ऊपर का ये डिटो सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ से अर्जेंट एप्लीकेशन थोड़ा चेंज होगा, उसमें आपको ये लिखना है किसको हम भेज रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को, यदि मान लो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट लिखोगे यहाँ पर, फिर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट कर दोगे, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़, जो भी होगा मतलब जो भी जुरिडिक्शन होगा इसके हद से बदल जाएगा, ठीक है, अब से न्यू दिल्ली में ऑनरेबल सर हम मैडम लिखते हैं, फिर ग्राउंड ऑफ एमरजेंसी, भाई जो एंटीसिपेटरी बेल है इसमें प्रे किया गया कि एज एप्लीकेंट द्वारा, ठीक है, कि भाई ये इसमें जो एप्रीहेंशन का ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज प्रेड एज एप्लीकेंट इज प्रेड फॉर द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के रूप में एप्लीकेंट के लिए एज हिम एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, ठीक है, उसका होती है, और फिर 3 जैसे आप अपने खुद कर रहे हो तो ये एडवोकेट थ्रू कर रहे हो तो वो आपको डिटेल देंगे, ठीक है, आप जैसे कि देखो ये डिटेल अभी भी सेम रहेगी जो आप मतलब शुरू में होगी, बस आपका ये क्या बोलते हैं नोटिस ऑफ की जैसे हम एप्लीकेशन बना रहे हैं इसमें क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, जैसे इसको किसको भेज रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट NCT दिल्ली को, हाईकोर्ट को, न्यू दिल्ली को, कि भाई इस मैटर में जल्दी ही आप क्या करें ऑनरेबल कोर्ट हाईकोर्ट में इस मैटर को जल्दी लिस्टेड कर दे, ठीक है, इसी मंथ में, तो डेट अपने आप डिसाइड कर ले, तो डेट लिख देते हैं, मंथ हमने लिख दिया, ईयर हमें लिख गया, वो रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज यू मे काइंडली एंटर योर अपीयरेंस, भाई अपने जो भी अपीयरेंस है ऑन सेट डेट 10 AM को आप एज पर रूल अपीयर होइएगा, ठीक है, अब वो मैटर विल बी लिस्टेड, मतलब इसमें नोटिस ऑन मोशन दिया जाता है कि भाई जो दूसरी पार्टी को कि वो अपीयर होए। अब क्या आएगा इसमें, आप देखो ऊपर का रिट सेम ही है सारी जगह, सिर्फ जैसे यहाँ रिस्पोंडेंट है यहाँ अंडर सेक्शन जैसे ये आएगा इंडेक्सिंग की तरह ये आएगा, और मैम वो पार्टी में आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, वो बंदा कहाँ का है जो लगा रहा है, ठीक है, और वर्सेस में ये कौन सी वर्सेस है, अब उनकी डिटेल NCT दिल्ली क्यों लिखा है, क्योंकि इसका रेप हुआ है तो उसमें हम स्टेट को पार्टी बनाते हैं, तो स्टेट को पार्टी बनाए तो हम लड़की की डिटेल नहीं लिख रहे, हम सिर्फ स्टेट को पार्टी बना रहे थ्रू SHO को के थ्रू कर रहे हैं, PF मतलब होता है पुलिस थाना पुलिस स्टेशन, ठीक है, इसमें ये डाल दिया, और प्रोसिक्यूटरी विक्टिम इन FIR नंबर जो भी है, ठीक है,
तो इस तरीके से आपको डिटेल लिखनी है। अब आता है इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली बेल एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी इन द मैटर ऑफ एप्लीकेंट वर्सेस जो भी है एफ आई आर नंबर जो भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर ठीक है, अब हमने क्या डाली है अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के बिहाफ पे प्री एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाली गई है। एक्यूज इन द केस एफ आई आर नंबर जो भी मैंशन कर दिया गया है रजिस्टर्ड एट महेंद्र पार्क न्यू दिल्ली। ठीक है, अंडर सेक्शन जो भी ये सेक्शन है ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड अंडर सेक्शन 3(6) अगस्त 12 ऑफ द पेस पार्ट। ठीक है, आप रिस्पेक्टफुली श्योर जो एप्लीकेंट है इसमें पीस लविंग है, मतलब मैं आपको हर पेपर बताना पड़ता है कि एप्लीकेंट सही है, वो ऐसे नहीं लिख रहे तो उसको नहीं मिलेगी राहत, तो अपने आपको पीस लविंग लिखता ही है, उसका वकील भी लिखता है कि वो पीस लविंग है अवेडिंग है, तो एज ए वकील मुझे भी लिखना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट कैसा भी हो पीस लविंग लिखना पड़ेगा और अवेडिंग सिरिजनल लिखना पड़ेगा और रिजाइडिंग जैसे कि इसमें लिखा हो कि वो मेंशन इसमें है अपनी फैमिली के साथ रहता तो वो लिखना पड़ेगा अलोंग विद हिज फैमिली विच कॉम्प्रोमाइज ऑफ एज 5 एंड 5 माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, और डेटेड बाय द वे ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन 438 की जैसे एप्लीकेशन है एंटीसिपेटरी बेल की। ठीक है, इसमें ये लिखा हो कि हेयरिंग द बीसीच द काइंड इंडल्जेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट इन द केस एफआईआर नंबर जो भी केस का एफआईआर नंबर ओरिजिनल और रजिस्टर्ड जो भी यहां फाइल हुआ है। ठीक है, इसके सेक्शन के तहत हुआ पोस्को की आपको लिखना पड़ेगा और जो कॉपीज में लिखा हुआ कि वो जो की एफआईआर कॉपी अटैच कर दी गई नेक्स्ट ए1 के रूप में जिस भी आपने जो भी रीनेमिंग करी है उसकी एफआईआर कॉपी की वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। फिर मैं आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके से आप बेकसूर है। ठीक है, जब आप एंटीसिपेटरी बेल डाल रहे हैं तो सपोर्ट आप अपने वकील को हायर नहीं कर सकते, आप उसे ड्राफ्ट करवा के केस फाइल करवा के अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, इवन आप हमसे भी केस ड्राफ्ट करवा के फाइल करवा के अपना केस लड़ सकते हो। वकील से ड्राफ्ट करवाने का ये बेनिफिट होता है कि उसको अच्छे तरीके सेक्शन का होता है और कौन सी बात छुपानी है, कौन सी बात को हाईलाइट करना है, कौन सी बात जज कन्वीनियंस होता है, ये एक वकील को पता होता है, इसलिए वकील को हायर कर ही लेना चाहिए ताकि आपका मामला और लंबा ना खींचे और उसमें मुसीबतें ना आए। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके लिए, लेट द फैक्ट बाय वे ऑफ विच द प्रेजेंट एप्लीकेशन क्यूमुलेट्स आर द विक्टिम। ठीक है, हैड रजिस्टर्ड जो एफआईआर की गई है बिहेफ ऑफ अ फादर हु इज अ ट्रांसजेंडर। ठीक है, नो वेट, इसमें लिखा है कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है इसमें जो विक्टिम है, ठीक हैज रजिस्टर्ड जिसने फाइल एफआईआर की है ऑन द बिहेस्ट ऑफ हर फादर हु इज जो कि ट्रांसजेंडर है एंड जो इसका ब्रदर है वाइफ की जो ब्रदर है मतलब उसका मामा एप्लीकेंट का हु इज द को एक्यूज इन द प्रेजेंट मैटर, मतलब प्रेजेंट मैटर में वो को एक्यूज है। जो प्रेजेंट एफआईआर है वो नथिंग है बट ट्यूटोरियल वर्जन है, मतलब उसका वो बनावटी कहानी है। ठीक है, और प्रेजेंट की गई है एलिड विक्टिम द्वारा ऑन द बिहेस्ट ऑफ हर फादर इन ऑर्डर टू इलीगली ग्रैब, वे उसकी प्रॉपर्टी ग्रैब करना चाहते हैं जहाँ एप्लीकेंट रह रहा है। तो आपको अपनी राम कहानी लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से ये राम कहानी लिखी जाएगी और जो सबूत आपने लगाए हैं उसके अनेक्सर आप करते जाएंगे जब आपकी राम कहानी पूरी हो जाएगी। और जब भी आप ये अनेक्सर कर दो तो आपको उसमें कॉली जरूर लिखना पड़ता है, ये कॉली वर्ड। ठीक है, इस तरीके से ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सारी अपनी राम कहानी लिख दी, स्पॉट डेट लिख दी। अब इसमें ये लिखना पड़ता है कि जो ये प्रेजेंट एप्लीकेशन थी ये जो एप्लीकेंट है वाज इज विलिंग, वो विलिंग है इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे। ही हैज सफर्ड अ फ्रैक्चर इन हिज शोल्डर, मतलब जो भी इसने हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहा है या अपनी फैमिली की प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो भी इसमें मेंशन कर दे। एंड व्हाई, मतलब वो क्यों नहीं अपीयर हो सका भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने, तो भाई वो उसको भी वजह बतानी पड़ेगी और जो भी उसके सबूत है वो उसको अटैच करना पड़ेगा। तो एप्लीकेंट प्रेफर्ड एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट जो कि ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी जो आया था वाज प्लीज टू डिसमिट द एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट सर्टिफाइड कॉपी जो की है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि भी ट्रायल कोर्ट से भी जैसे इसमें ये लिखा गया है कि इसने इस समय ऑर्डर दिया था वाज प्लीज टू डिसमिस। ठीक है, अब इसमें एग्रीड पर्सन कह रहे थे जो एग्रीड बाय द ऑर्डर जो अपने ट्रायल कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर आया है एप्लीकेंट के खिलाफ उसने प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन लगाई है इंटरलिया और फॉर ग्राउंड क्या है उसके बिकॉज भी वो पहले 2.5 साल देर हो चुका है ऑफ डिले इन फाइलिंग द एफआईआर एज द अलग इंसिडेंट वाज ऑफ 2020 और जबकि एफआईआर रजिस्टर की थी 2022 में, तो ये पता कि भी 2 साल बाद की विक्टिम ने फाइल की अपनी एफआईआर। दूसरा कारण उसने ये लिया कि जो प्रेजेंट एफआईआर है वो नथिंग है बट द काउंटर ब्लास्ट ऑफ द कंप्लेंट फाइल बाय द मदर इन लॉ एंड वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट अगेंस्ट द मिसडीड ऑफ द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की जो वाइफ का जो ब्रदर है उसकी जो मिसडीड के खिलाफ एप्लीकेंट की जो वाइफ है और उसकी जो मदर इन लॉ द्वारा है उसके द्वारा क्या किया गया, फाइल किया गया और उसका ये काउंटर ब्लास्ट है।
बिकॉज द नेचर ऑफ द ऑफेंस एज डिस्क्राइब इन एफ आई आर, मतलब जो ऑफेंस डिस्क्राइब किया गया है एफ आई आर में, हाईली इम्प्रोबेबल to prove as no medical evidence ke baare mein medical evidence nahi can be traced after such a long time of 2 to 5 years. That the applicant is allowed to join the investigation as when required by the police. That the applicant is also ready to abide by the condition levied by the honorable court in the case of anticipated bail. ठीक है, तो जो एप्लीकेंट है has not filed any petition, उसने फाइल नहीं की कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं की, पिटिशन फाइल नहीं की सीकिंग आइडेंटिफिकल रिलीफ के लिए किसी भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसकी जो ये है मतलब एप्लीकेशन स्वीकार की जाए. अब उसमें प्रे क्या किया जाता है, भी करता है कि भाई इन द लाइट ऑफ अपने फैक्ट को जो लाइट करना चाहता है, सर्कमस्टांस को वो मतलब वो हाईलाइट करना चाहता है, तो ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेसली प्लीज बी प्लीज टू allow the present application and grant anticipatory bail to the applicant as here in FIR number जो भी है पुलिस थाना महेंद्रपाल रजिस्टर जो की हुई है इस सेक्शन में, ठीक है, देयर बाय डायरेक्टिंग आई को डायरेक्टिंग किया जाए, आई एस एच ओ को डायरेक्टिंग किया जाए, मतलब डायरेक्ट किया जाए भी इसकी जो उसको रिलीज कर दिया जाए बेल से इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट बाय द पुलिस इन द FIR मेंशन जो भी है अप्रूव की गई है. ठीक है, और जो भी कोई ऑनरेबल कोर्ट चाहती है कि डिम फिट समझती है कि फैक्ट सही है या जो भी सर्कमस्टांसेस सही समझती है प्रेजेंट केस को, उसमें जो भी अगर रिलीफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. इसमें जहाँ पे ये केस फाइल हो रहा है, जहाँ पे ये डेट है, उसकी आपको करनी है, लिखना पड़ेगा आपको, और एक एफिडेविट भी जरूर देना आप अपना. एफिडेविट के बिना केस फाइल कोई भी नहीं होता, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट का, चाहे वो हाई कोर्ट का, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, तो एफिडेविट हर किस में देना पड़ता है, एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा. जो ये मैटर है देखो, इसी डिटो ही रहा आपका, फिर इसमें आपको एफिडेविट लिखना है, जो भी अपनी मतलब बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है उसकी थोड़ी बेसिक डिटेल डाल दी गई, जैसे इसका फादर का नाम, उसका नाम, उसकी एज, वो कहाँ पे रहते हैं, और उसके द्वारा जैसे लिखा जाता है डू हेयर बाय सोलेमनली अफर्म, भाई वो सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर करता है जनरल की जो भी ऊपर एप्लीकेंट ने जो भी लिखा है, ठीक है, जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांस लिखे हैं केस के, अरे वो भी वो उसमें स्पष्ट लिखता है कि एफिडेविट में ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि वो उसने पढ़ लिए हैं, नोट कर लिए हैं, और जो भी कंटेंट है कंपनी एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन हैज बीन ड्राफ्टेड बाय हर माय काउंसिल, पे इसके काउंसिल द्वारा ड्राफ्टेड किया गया है और मेरे इंस्ट्रक्शन के द्वारा, एंड सेम हैज बीन रीड, मैंने रीड कर लिया वर्ड टू मी एंड अंडरस्टूड बाय मी, मेरे द्वारा रीड कर लिया गया है, ट्रू है, ये सारा कुछ करेक्ट है. तो इस तरीके से डिपोनेंट जहाँ पे आएगा वो आपको साइन करने है, अरे क्या आपको साइन यहाँ पे भी करने, तो जब अपना केस फाइल करते हो आप, ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा. फिर आपको नीचे ये जैसे जो भी अपने एनेक्सर है उसकी कॉपियाँ लगाते जाना है, उस तरीके से आपको केस फाइल हो जाएगा, उसको अपलोड कर दिया जाता है ऑनलाइन. तो आज के वीडियो में मैं आपको काफी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से समझाने की, फिर भी कोई क्वेश्चन क्यों आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो. लीगल ड्राफ्टिंग सिखाने वाले कम ही चैनल आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ना के बराबर ही मिलेंगे, और जिनकी होगी उनको शायद अच्छे तरीके से समझाना भी ना आता है लीगल ड्राफ्टिंग. तो आपको मेरा लीगल ड्राफ्टिंग समझाने का वे कैसा लगा, कुछ कमी लगी हो या कुछ आपको मेरी प्रेज करना चाहते हो, बढ़ाई करना चाहते हो, तो आप वो मेरी प्रेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू. या किसी ने मेरे से केस फाइल करवाया हो और उसको रिलीफ मिल गया हो, तो वो भी अपनी प्रेज या जो भी मेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे आप जो अप्रिशिएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं. चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, क्योंकि इतनी मतलब गर्मी के मौसम में भी हम पंखा नहीं चला पाते, कूलर नहीं चला पाते, एसी चला नहीं सकती शुरू में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये मेरा कमरा ऊपर है, तो मुझे इतनी गर्मी में ये वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो आपका भी भला हो जाए और एक मैं आपको एक नया कंटेंट दे पाऊँ अच्छा सा जो कि लोगों को पसंद आए. तो इतनी हार्ड वर्क के साथ हम ये एक वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई. और यदि आप किसी और नए टॉपिक पे हाई कोर्ट की रिट पिटीशन सीखना चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं. तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा. तो हैव अ नाइस डे, बाय.